तो आपको ये चीज कितनी डराती है फ्राइडे के दिन? मैंने अभी दो हफ्ते पहले एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि कुछ 93,000 तरीके से आप रोज मर सकते। तो आप सोचिए अगर आप एक दिन सर्वाइव करते तो आप कितने लकी होते हैं कि आप 93,000 तरीके से नहीं मरते। तो लक तो फिर ये देखा जाए तो जो लक फैक्टर है वो हर चीज़ में होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है रिजल्ट को लेके तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, लेकिन अगर आप मज़े ले रहे हैं काम करते हुए तो फिर लक आपको थोड़ी देर तक रोक सकता है, लेकिन इवेंचुअली आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। सुशांत अनुज्ञा सामने, आपके सामने यहाँ, अनुज्ञा न्यूज़ ऑनलाइन से। सर मुझे ये पूछना है कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? आप एम एस धोनी का किरदार निभा रहे हो तो एज अ आर्टिस्ट आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट लगा होमवर्क करने में? मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। कुछ महीने लगे सब कुछ सीखने में, इतना सीखा कि मैंने खुद को हर दिन ऐसा कुछ घंटे होते थे जब मैं अपने आप को कन्विंस कर लेता था कि मैं कैरेक्टर हूँ। तो इस सोच से हमने शुरू किया और सर ने जिस तरीके से गाइड किया मैं बस चलता गया और फिल्म आपके सामने आप देखेंगे। नीरज जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत कम ऐसा होता है कि आप जनरली जब एक फिल्म बना रहे होते हैं तो आप अपना प्रिपरेशन करके आते हैं और अपनी आपका एक आपके दिमाग में एक कैरेक्टर स्केच होता है, लेकिन जब आप डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं और वो अपना कुछ इनपुट्स देते हैं तो फिर आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन ये पहली फिल्म है मेरी जब मैं इतना एब्सोल्यूट श्योर था कि अगर नीरज सर ओके बोलते हैं तो मुझे ज़रा भी नहीं लगता था कि मैं एक बार मॉनिटर जाके देखूं कि मैंने क्या किया। आई वाज सो श्योर कि इट विल बी एन ओके टेक। नीरज टू योर राइट वी हियर, देयर वाज अ मूवी कॉल्ड अवेयरनेस डे व्हिच हैपेंड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर डायरेक्टरियल करियर व्हिच ब्रॉट अ लॉट ऑफ एकोलेड्स इन योर करियर एज वेल। सो नाउ दिस मूवी धोनी, व्हाट डू यू थिंक धोनी इज गोइंग टू बी एज अ मूवी इन योर करियर? The idea is to give a movie that the audiences like, nothing more, nothing less. I hope it's for an audience, and I hope they love the film. Sushant, was MS satisfied seeing you performing as himself, or how was his reaction seeing you? आपके सामने थे आप. What did personally complimented you? How was it? We did not. अभी हम लोग flight में आ रहे थे तो मैंने उनको एक video दिखाया था जो training video था. जिसमें मैं उनके जैसा उन जो टिपिकल शॉट्स वो जो पुश करते हैं, जो हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं, जो विप करते हैं, वो सब खेल रहा था। तो वो देखे और बहुत ही स्माइल करके बोलते यार ये तो एकदम फोटो कॉपी कर दिया है तुम, तो अच्छी बात है। पर्सनल लेवल पे डिड यू लर्न एनीथिंग? आई कांट हियर यू ब्रो, सॉरी। ऑन अ पर्सनल नोट, ऑन अ पर्सनल लेवल डिड यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिम? ऑफ कोर्स आई हैव लर्न्ड, एंड दैट्स व्हाई आई देयर वर मेनी थिंग्स बिफोर आई गॉट दिस फिल्म दैट आई वाज hugely immensely inspired by, and there were many things that I wanted to understand vis-a-vis Mahi is concerned, and that's the precisely the reason why I did the film.